हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ना इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही यकीन करके अपनी जो है ओपिनियन जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई, बहुत सारे मैंने इस कमेंट्स पे देखे हैं और बहुत से लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जब ये बिल लाया गया था। तो देखो, जो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहा था उसका एक अपना कुछ एंगल था। पर किसी को भी ना, मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो अपने किसी लीडर वगैरह को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो करनी चाहिए ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैले लोगों के बीच में। तो ये जो वीडियो है ये स्टडी IQ का है। स्टडी IQ एक बहुत रिलायबल यूट्यूब चैनल है और ये UPSC IAS वगैरह की जो है तैयारी जो है करवाते हैं, और इनके कोर्स जो इनकी वीडियोस होती हैं वो हम उन पे यकीन कर सकते हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि UPSC लेवल के ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियो थी इस पे, पर मैंने इस वीडियो को चूज़ किया। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको ठीक से मालूम पड़े इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, और स्पेशली इसके बारे में कि ये जो लॉ है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, क्या ये नॉर्थ ईस्ट पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और फिर करेंगे अपनी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। ये बिल कल लोकसभा में पास हो गया और आज राज्यसभा में पास होने की पूरी संभावना है आज रात तक। तो आप मान के चलिए कि ये कानून बन ही चुका है, इस पर केवल राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। तो क्यों ये बिल इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसके क्या क्लॉजेज हैं, क्यों इसको लेकर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी, हम पूरा डिस्कस करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या प्रावधान है, क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ये आपके डेवलपमेंट्स लिए भी हैं। बहुत हालांकि ये बिल इम्पोर्टेंट तो है, 3 साल से वीडियो को चर्चा में पूरा है, जरूर लेकिन जो नॉर्थ देखिएगा। ईस्ट को लेकर सरकार ने एक्सेप्शंस दिए हैं वो आपको समझने बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस हैं अगर आप मुझसे नॉर्थ ईस्ट सोशल के मीडिया लिए। पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। स्टडी IQ का पेनड्राइव कोर्स IAS एग्जाम 2020 के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर बिना लाखों रुपए कोचिंग्स पर खर्च किए इसलिए इस टॉपिक के IAS लिए एग्जाम की इस तैयारी चैनल को कर चूज किया सकती गया, हैं। ज्यादा क्योंकि जानकारी के लिए वीडियो हमारी पूरी वेबसाइट सही स्टडी होगी, आई क्यू डॉट पॉइंट कॉम टू पॉइंट विजिट होगी। कीजिए। तो कल रात 12 बजे ये कानून पास हुआ है लोकसभा में। 311 मत इसके फेवर में थे और 80 मत इसके विरोध में थे। ओके आयज 311, नोज 80। तो 391 लोकसभा सांसद मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये पास हुआ। और क्योंकि NDA की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है हमारी लोकसभा में, तो ये बिल आसानी से पास हो गया जैसा उम्मीद थी लोकसभा में। राज्यसभा में 2-4 वोट इधर उधर होने की संभावना है, लेकिन आप मान के चलिए कि 120 जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है वो मिल जाएगी। इस वक्त राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 238, पास होने के लिए कानून को चाहिए 120, और ये 120 की संख्या छू लेंगे क्योंकि 116 तो NDA के पास है। और 4 वोट ऐसी उम्मीद है कि अपने जो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं या UPA की पार्ट नहीं है, ऐसी पार्टीज के साथ मिलकर ये प्रोविजन, ये बिल पास हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ये एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकता कानून 1955 में कुछ बदलाव लाना चाहता है। 1955 में हमने अपना सिटीजनशिप एक्ट मॉडिफाई किया था और उसके बाद उसमें मेजर बदलाव ये लेकर आ रहा है। हालांकि कुछ बदलाव और भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 55 के बाद से कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन एक बड़े स्तर पर बदलाव 2019 का ये कानून लेकर आ रहा है। इस कानून का मुख्य प्रावधान ये है, सबसे बड़ा चेंज जो ये लेकर आ रहा है वो ये कि भारत में अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, केवल इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोग आना चाहते हैं, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी, जो
रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, यानी अपने धर्म को फॉलो करने के कारण वहां पर अगर किसी को परसिक्यूट किया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, और इन 6 धर्मों में से कोई भी व्यक्ति भारत में आकर रहना चाहता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। उसमें एक कट ऑफ डेट है, कुछ और भी प्रावधान है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको याद ये रखना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, और बांग्लादेश, बांग्लादेश, केवल इन 3 देशों का जिक्र है। सारे पड़ोसियों से कोई भी आकर भारत में नहीं रह सकता है, नागरिक नहीं बन सकता है, केवल इन 3 देशों से इन 6 धर्म के लोग, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ओके सो पारसी, मुस्लिम्स को इन छोड़ छह के धर्मों बाकी के सब लोग अगर ओके आते हैं। हैं और ये रीजन बताते हैं कि हम धार्मिक प्रताड़ना के कारण देश छोड़कर आए हैं अपना, तो फिर इन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसके पीछे सरकार ने रीजन ये दिया है कि इन 3 देशों का जो संविधान है वो कहता है कि हम इस्लामिक हैं और वहां पर स्टेट रिलीजन है। स्टेट रिलीजन का मतलब है कि जैसे भारत में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि यहां पर स्टेट रिलीजन विल बी इस्लाम। तो इसीलिए सरकार का कहना है कि यहां पर माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन काफी ज्यादा है, जैसे अफगानिस्तान में सिख माइनॉरिटी, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में है, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज, इनको प्रताड़ित किया जाता है अपने धर्म मारा को फॉलो जाता है, करने के अटैक लिए, होता है, और बहुत कुछ भारत होता को है। इन्हें शरण देनी चाहिए। हिंदूज ये के रीजनिंग है साथ, सरकार की और बुद्धिस्ट के साथ, भाजपा एज अ मुस्लिम को छोड़ के पार्टी। बाकी सबके साथ। तो इस लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, और एक बहुत बड़ा तबका जो छोड़ा गया है वो है मुस्लिम्स। तो मुस्लिम धर्म के लोग अगर इन 3 देशों से हैं, वो भारत में आकर नागरिकता चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी अगर वो इलीगली आए हैं। ठीक है, लीगल माइग्रेशन बंद नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। कुछ 55 सिटीजनशिप अमेंडमेंट, 55 सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधान हैं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आज भी अगर कोई पाकिस्तान का मुस्लिम भारत में आकर रहना चाहता है तो वो नॉर्मल रूट फॉलो कर सकता है कि आपको 11 साल भारत में रहना जरूरी है, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर फास्ट कर दी गई है ये सिटीजनशिप की जो प्रक्रिया है, दूसरे 6 धर्मों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक कट ऑफ डेट भी है कि अगर कोई 31 दिसंबर ये याद करो, 2014 से पहले भारत आ गया था तो उसे तो ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, और अब अगर कोई आता है तो उसे 6 साल रहना जरूरी है भारत में। तो पहले एक बार 55 वाला एक्ट समझ लो। सिटीजनशिप एक्ट 55 ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो भारत में पैदा हुआ है, या भारत के माता पिता हैं उसके, या फिर उस देश में रहा है कुछ लंबे समय तक। ठीक है, वो अलग अलग क्राइटेरिया था अलग अलग कैटेगरीज के लिए। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को भारतीय नागरिकता मिलना अलाउड नहीं था। इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि जैसे देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर तारबंदी नहीं थी कई सालों तक, अब जाकर तारबंदी हुई है। तो 71 वॉर तक के समय में कई लोग ऑटोमेटिकली बॉर्डर को क्रॉस करके पैदल चलते हुए आ जाते थे। इनफैक्ट मैं खुद पश्चिमी राजस्थान से हूँ, तो मेरे खुद के घर के पास में हजारों लोग रह रहे हैं जो पाकिस्तान के हिंदू थे, और 71-65 वॉर के समय वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आ गए राजस्थान में, और वहाँ पर रह रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में कई पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं। तो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स जिन्हें यहाँ पर नागरिकता नहीं थी, वो कोई वीजा के साथ नहीं आए थे, कोई पासपोर्ट लेकर नहीं आए थे, वो तो सीधे अपना सामान उठाकर चल पड़े और भारत आकर रहने लगे। तो वो इलीगल माइग्रेंट्स थे, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए थे, लेकिन अगर वो 11-12 साल रह जाते हैं तब उन्हें नागरिकता मिल जाती जी है। जाते हैं तो फॉरेनर जो है, अगर वो विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भारत में एंटर करता है, विदाउट पासपोर्ट, वीजा, और अगर वीजा के साथ भी आता है, अगर 6 महीने का वीजा लेकर आया है लेकिन रहने लग गया 5 साल 6 साल, तो फिर वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, पुलिस उन्हें वापस डिपोर्ट करने की कोशिश करती थी, और अब इसके लिए ये कानून उनकी मदद करेगा। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक और रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप के लिए, वो होती है नेचुरलाइजेशन। रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तरीका है, इसे भी समझो। नेचुरलाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी अगर भारत में आकर कंटिन्यूअसली 1 साल भारत में रहता है और 14 में से 11 सालों में भारत में रहा है पिछले 14 सालों में से, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो अभी भी आप आज इस कानून के पास होने के बाद भी अगर कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान का मुस्लिम व्यक्ति है, भारत आकर नागरिक बनना चाहता है, तो वो 11 साल वाला रूट अपना सकता है। तो उसे 14 साल में से 11 साल भारत में रहना है, तब जाकर वो भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है कि उन 14 सालों में वो भारत की नागरिकता नहीं मिलती है, तो उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। बच्चों के स्कूल के एडमिशन में प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सर्विसेज को वो अवेल नहीं कर पाएगा, और यही सब रीजंस थे जिनके कारण अन्य माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये फैसिलिटी दी गई है कि आप 5 साल में नागरिक बन जाएंगे। तो अब अगर कोई हिंदू व्यक्ति 2020 में बांग्लादेश से भारत आता है तो उसे 2014 की कट ऑफ डेट तो मिस कर चुका है, लेकिन अब उसे 11 साल नहीं, अब उसे केवल 6 साल भारत में रहने की जरूरत है और उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो इसके कारण अब अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है, लेट से पिछले 4 साल से रह रहा है, 2016 में आ गया था, ठीक है समझो, 2016 में आ गया था,
तो अब वो 2 साल बाद ही भारत का नागरिक बन जाएगा, और अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा था इलीगली भारत आने का या सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए, तो वो भी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ खत्म कर दी जाएंगी, एंड ही शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इन टू इंडिया, यानी 2016 से ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आते हैं हम एक्सेप्शन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार 2016 में जब सबसे पहले ये सरकार बिल लेकर आई थी, तो इसका काफ़ी भारी विरोध हुआ था उत्तर पूर्वी राज्यों में, और 2019 में जब ये पास भी हुआ लोकसभा में जनवरी 2019 में, तब भी इसका भारी विरोध हुआ था, इसलिए फिर इसे राज्यसभा में ड्रॉप कर दिया गया था, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो ऑटोमेटिकली वो कानून जो था लोकसभा से पारित हुआ हुआ वो ड्रॉप हो गया, अब उसे फिर से लोकसभा में पास करवाया गया है। तो अब उत्तर पूर्व राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सेप्शंस को याद रखना है तो इतना याद रख लेना, सिक्स और आईएलपी, बस ये दो शब्द याद रखना, सिक्स और आईएलपी। अब इनको डिटेल में समझो, भारत के संविधान में छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल में 4 राज्यों का जिक्र है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में। इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं इन्हें कुछ खास फैसिलिटी दी गई है, स्वायत्तता दी गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं, रीजनल काउंसिल्स बनती हैं। डिटेल में इसमें हमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये सब पॉलिटी के कोर्स में पढ़ाया हुआ है जो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो सिक्स्थ शेड्यूल जो ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑटोनॉमी देता है, उन्हीं उसी ऑटोनॉमी को, उसी स्वायत्तता को बचाने के लिए यहाँ पर इनके लिए एक्सेप्शन दिया गया है। तो अभी आप 4 राज्य देखना जहाँ पर मैं आपको मार्क करूँगा, यह है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में, अभी ये वाले भूल जाओ ठीक है, गोरखालैंड और इसको मणिपुर को भूल जाओ, ये 6 शेड्यूल में नहीं आते हैं। इन 4, बाकी के AMMT से इसे याद रखा जा सकता है, इन 4 राज्यों में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनमें एक्सेप्शन दे दिया गया है कि जिन व्यक्तियों को बांग्लादेश से भारत में आने पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी वो इन राज्यों के अंदर जाकर नहीं बस सकते, जमीन नहीं बस वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, या फिर वहां पर जाकर परमानेंटली नहीं बस सकते। ये एक्सेप्शन दे दिया है 6th शेड्यूल वाले एरियाज को। दूसरा एक्सेप्शन दिया गया है आईएलपी वाले स्टेट्स को। आईएलपी क्या होता है? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट बेसिकली एक पास होता है जहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो आपको सरकार से एक अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको बताना होगा आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या काम के लिए जा रहे हैं और कब तक वापस आ जाएंगे। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप 15 दिन का आईएलपी ले लीजिए, अगर आप कोई पढ़ने जा रहे हैं तो आप 1 साल का आईएलपी ले सकते हैं। इस तरह से 6 महीने का होता है, वैसे हर 6 महीने में उसे रिन्यू कराना होता है, तो इस तरह से लंबा आईएलपी भी मिलता है। लेकिन अगर कोई परमानेंटली वहां बसना चाह रहा है तो सरकार उसे रिजेक्ट कर सकती है, हो सकता है 5 साल बाद आईएलपी मिलना बंद हो जाए अगर आप कंटिन्यूअसली 5 साल वहां रहते हैं। इट इज अप टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहां परमानेंटली रह रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड ये 3 राज्य जहां पर इनर लाइन परमिट इस वक्त मौजूद है, वहां पर अपनी एक संस्कृति है, कल्चर है, और यहाँ के लोग नहीं चाहते कि बाहर के व्यक्ति आकर यहाँ पर हमारी कंसिडरेबली लो पॉपुलेशन जो है इसे बढ़ा दें। बाहर के लोग अगर ज्यादा आएंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, हमारा कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा। तो इनर लाइन परमिट वाले 3 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ओके, ये 3 राज्य हैं, इनका नाम याद रखना, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। तो आप देखिए अगर मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो किस किस को एक्सेप्शन मिल रहा है, अरुणाचल को इनर लाइन परमिट के कारण, नागालैंड को आईएलपी के कारण, मिजोरम आईएलपी, त्रिपुरा को 6th शेड्यूल, मेघालय को 6th शेड्यूल, असम का काफी बड़ा हिस्सा, पूरा असम नहीं काफी बड़ा हिस्सा लेकिन 6th शेड्यूल के कारण। अब बचा कौन, बचा पीछे मणिपुर। तो मणिपुर में इसको लेकर काफी लोगों में नाराजगी थी, तो सरकार ने आश्वासन दिया है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बात कह दी है पब्लिकली कि हमें केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे यहाँ भी आईएलपी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मणिपुर ने पिछले साल आईएलपी को लेकर एक कानून पास किया था राज्य की विधानसभा में, लेकिन वो अभी भी राष्ट्रपति के पास अटका हुआ है, राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो वाला कानून पास हो जाएगा, अगर वो नहीं भी होता तो भी एक नए तरीके से आईएलपी को लाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि मणिपुर में भी आईएलपी लागू हो जाएगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इसमें एक्सेप्शन मिल गया है, बस असम के कुछ बड़े इलाके हैं जिनमें एक्सेप्शन नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा विरोध भी असम और मिजोरम जैसे स्टेट्स में ही था, अभी भी असम में इसको लेकर काफी विरोध है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि एक्सेप्शंस कहाँ हैं। अब आते हैं हम इसके मेजर इश्यूज पे। इस बिल की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि ये भारत की नागरिकता को धर्म के आईने से देख रहा है। भारत के नागरिकता कानूनों में कहीं भी अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कभी भी धर्म को लेकर एक क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था कि अगर कोई हिंदू है या मुसलमान है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी या नहीं, लेकिन ये कानून स्पेसिफिकली मुस्लिम, इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को मेंशन करता है जो मेजर धर्म है सब कॉन्टिनेंट के, तो ये मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है, ऐसा इसका क्रिटिसिज्म है। एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, और ये
फंडामेंटल राइट याद रखना नॉन सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, भारत के नागरिक ही नहीं, अगर कोई भारत में रह रहा है और वो नागरिक नहीं है उसके लिए भी राइट टू इक्वालिटी हमारा संविधान देता है, तो ये क्लियरली उसका वायलेशन है, उसके खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति शिया मुसलमान है, पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर भारत आया है, नागरिकता चाहता है, तो उसे नागरिकता मिलेगी 14 साल में, लेकिन अगर कोई हिंदू है पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर भारत आया है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी 5 साल में या 6 साल में। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि ये बिल कुछ ऐतिहासिक रीजंस के कारण लिया गया है और जो आसपास की सरकारें हैं उनके संविधान और उनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर धार्मिक जो माइनॉरिटीज हैं उनका उनकी प्रताड़ना हो रही है, ये एक सच्चाई है और इसीलिए इस कानून को लाना जरूरी था। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बहुत बड़ा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भी असम के और पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ज़्यादातर एरियाज में आज एक बंद है, विरोध हो रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10 दिसंबर को, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अभी भी इससे खुश नहीं है, उन्हें एक्सेप्शन दे दिया गया, उसके बावजूद उनका मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे वो जाएंगे कहाँ, वो जाकर बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे वो ऑब्वियसली बात है असम या फिर मेघालय या त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल, इन पड़ोसी स्टेट्स में ही तो जाएंगे, वो जाकर कहीं तमिलनाडु में तो नहीं बसने वाले हैं मेजॉरिटी संख्या में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये कहना है कि इससे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हमारे आबादी को में आएंगे और हमारा डेमोग्राफिक चेंज होगा। असम जैसा राज्य जहां पर पहले ही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लंबे आंदोलन हो चुके हैं, आपको पता ही होगा 70 के दशक में एक बहुत लंबा आंदोलन चला था जिसके बाद 1985 में असम अकॉर्ड हुआ, एनआरसी की अभी एनआरसी का प्रोसेस खत्म हुआ है, वो अपने आप में एक अलग कंट्रोवर्सी थी। अब एनआरसी के अंदर 19 लाख इलीगल माइग्रेंट्स पाए गए थे असम में, लेकिन इनमें से 14 लाख तो हिंदू निकले हैं। तो जो असम के लोग कहते हैं उनका ये मानना है कि हमें धर्म से मतलब नहीं है, हमें हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी भाषा हमारा कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, अगर वो बांग्लादेश से आ रहा है इलीगली असम में तो हम उसका विरोध करेंगे। तो उनका विरोध जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चर एंड सोसाइटी लैंग्वेज एंड रेस, उनका मानना है कि जो असामी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो चाहे अब हिंदू इमिग्रेंट आ रहे हैं सही है बस। हम उसका विरोध करना चाहते हैं। तो ये असम के ज्यादातर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं। फिर हम आते हैं एक और इसके मेजर क्रिटिसिज्म पे, मैं आपको फिर से ये मैप दिखाता हूँ भारत के पड़ोसी राज्यों का। हमें यहाँ पे ये देखना है कि तीन राज्यों को तो कैब ने कवर कर लिया है, बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान, लेकिन क्या दूसरे देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन नहीं होता? श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका में लंबे समय तक एक गृहयुद्ध चला था तमिल और सिंहला मेजॉरिटी के बीच में, तो तमिल हिंदू हैं वो भी लाखों की संख्या में भारत माइग्रेट कर रहे हैं और तमिलनाडु में आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए इस कानून के तहत? दूसरा है नेपाल। अब नेपाल में भी मधेसी हैं, मधेसी जो पॉपुलेशन है तो वो हिंदू, लेकिन वो भी कहते हैं कि कई बार नेपाल की जो सरकार है वो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो वहाँ पर भी कुछ माइग्रेशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम तिब्बत की। अब तिब्बत के अंदर जो बुद्धिस्ट हैं वो मेजर माइग्रेशंस तो देखो जो होने थे वो 50 के दशक में हो गए, जब चाइना ने कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत को अपने पूरे कंट्रोल में लिया था, जब दलाई लामा यहाँ माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन आज भी छिटपुट संख्या में कुछ कुछ 50-100 बुद्धिस्ट जो हैं तिब्बत में रहने वाले वो भारत माइग्रेट करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान होगा? फिर उसके बाद आते हैं हम एथीस्ट पर। तो बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश में एथीस्ट पर काफ़ी हमले हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जो किसी धर्म को नहीं मानते। एथीस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी धर्म में नहीं मानता, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत में आकर रहना चाहे तो उसे हम क्यों नहीं इस बिल में जोड़ रहे हैं? तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं इस बिल के कि यहाँ पर केवल तीन देशों की बात करी जा रही है, बाकी जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, फिर पाकिस्तान में एक शिया पॉपुलेशन जो है शियास के खिलाफ भी काफ़ी प्रोसिक्यूशन होता है, अहमदिया समुदाय के खिलाफ भी काफ़ी प्रोसिक्यूशन होता है, अहमदियास को तो इनफैक्ट मुस्लिम ही नहीं माना जाता पाकिस्तान के द्वारा स्टेट के द्वारा, तो उन कम्युनिटीज के लिए क्या प्रावधान है? यहां पर देखिए सरकार का इसका जो जवाब आया है इस क्रिटिसिज्म का, वो ये है कि जब समय के अनुसार जरूरत पड़ी है तो हमने सब जगह के लिए कानून बनाए हैं। जैसे 71 वॉर के समय जब बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशंस हुए थे, तब उस समय 71 में नागरिकता दी गई थी बांग्लादेश से जो माइग्रेट किए थे, श्रीलंका से जो माइग्रेट किए थे 64 या 63 में, उस समय उन्हें भी नागरिकता दी गई थी। तो समय और जरूरत के अनुसार भारत ने अपने नागरिकता कानून को चेंज किया है, और इस वक्त समय की डिमांड यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज आ रही हैं उन्हें नागरिकता दी जाए। तो ये सभी वो माइनॉरिटीज हैं जो हमारे पड़ोसी देशों में परसिक्यूटेड हैं, अहमदियाज, एथीस्ट, तमिल्स इन श्रीलंका, मधेशी इन नेपाल, बुद्धिस्ट फ्रॉम तिब्बत, और हाँ रोहिंग्या का इशू। रोहिंग्या का देखिए अब बहुत ही पेचीदा इशू है। अब यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है,
म्यांमार से रोहिंग्यास मेजरली माइग्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश में, फिर वो बांग्लादेश से भारत आते हैं, तो सरकार ने मना कर दिया है कि हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि वो म्यांमार से हैं और म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते से भारत आ रहे हैं। तो अभी तो बांग्लादेश में लाखों की संख्या में रोहिंग्यास रह रहे हैं कैंप में, लेकिन जब वो भारत आएंगे तो उन्हें सिटीजनशिप अभी नहीं मिलेगी अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाले। अगर रोहिंग्या भी कोई चाहे तो 14 साल भारत में रहकर नागरिकता ले सकता है, वो रास्ता बंद नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन अगेन राइट टू इक्वालिटी की बात है कि क्यों किसी एक धर्म के व्यक्ति को 5 साल में नागरिकता मिल रही है और दूसरे धर्म के व्यक्ति को 11 या 14 साल बाद। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इस कानून के फेवर में हैं या फिर इसके अपोज में हैं। आपको मैंने सिक्के के बताओ भाई, आप फेवर में हो कि अपोज में हो? और इसमें एक इम्पोर्टेंट डेट थी, इधर वो डेट तुम कौन सी डेट थी कि उसके पहले वालों को जो मिलेगी, 31 दिसंबर था कि उससे पहले वालों को मिलेगी, और जो उसके बाद आते हैं अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से हिंदू सिख कोई आता है उसको वही 6 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगी। पर कोई मुस्लिम आता है तो उसको 11 साल जो है रहना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगी। ओके, तो ये लॉ जो था ना, देखो इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान है यहाँ हिंदू सिख पे बहुत अत्याचार होते हैं, मार दिया जाता है, उनकी जो जो फीमेल्स होती हैं उनको मतलब उनको उठा लिया जाता है, उनसे जबरदस्ती शादी करके मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, कई बार रेप केसेस होते हैं या फिर मार दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। तो वो लोग यहाँ भाग के आते हैं। अब जो यहाँ का जो हिंदू सिख है, अब क्योंकि ये रिलीजन जो है हिंदू सिख या फिर जो कोई और जैनिज्म है, ये सब इंडिया से स्टार्ट हुए, तो वो फिर इंडिया को देखते हैं कि भाई हम हमारा रिलीजन से सेम है तो हम शायद वहाँ पर सेफ रहेंगे। कोई हिंदू अगर पाकिस्तान में है और उसको वो वहाँ पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो इंडिया की तरफ देखता है कि भाई वहाँ पर हमारा मतलब रिलीजन सेम है, वहाँ पर हमारा कल्चर सेम है, तो मैं यहाँ से ज़्यादा वहाँ सेफ रहूँगा, तो वो भाग के फिर इंडिया आते हैं। अब पहले के लॉस के हिसाब से 11 साल तक उसको मतलब कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी वगैरह या फिर जो है नहीं मिलती थी गवर्नमेंट की फैसिलिटी, और स्कूल कॉलेज में मतलब स्कूल में एडमिशन करवाना अपने बच्चों का या फिर जॉब लेना, क्योंकि सिटीजनशिप नहीं थी। पर अब वो रास्ता थोड़ा थोड़ा इजी कर दिया, वो 11 साल से 6 साल कर दिया है। तो अगर हम ह्यूमैनिटी को देखें तो ऐसे लोगों को देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में मुस्लिम पे तो अत्याचार नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप वो अहमदिया नहीं हो, क्योंकि उनका थोड़ा अलग ही कंसेप्ट है, क्योंकि वो चलो वो फिर अलग ही बात हो जाएगी। पर मेन यही है कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं इन तीनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार होते हैं, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, क्योंकि बहुत कट्टर इस्लामिक वहाँ पर विचारधारा के लोग हैं और कुछ लीडर्स भी हैं जो बहुत सारे दंगे वगैरह जो है इन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होती रहती है यहाँ पर, तो वहाँ से लोग आते हैं। तो अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए ये देखें तो ये लॉ मतलब उनके लिए सही है, पर थोड़ा नुकसान भी है क्योंकि भाई इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जॉब्स वगैरह भी इंडिया में उतनी ज़्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ इंडिया में भी काफ़ी हाई है, और फिर वहाँ दूसरे बंदे आके यहाँ पर रहेंगे, उनको उस रिलेशनशिप मिलेगी, वो भी हमारे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे, तो ये भी मतलब हम पे एक्स्ट्रा जो है बर्डन होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लॉट सही नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इस लॉ से जो है बचा हुआ है, वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। त्रिपुरा वगैरह में, असम के कुछ एरियो में ये अभी तक एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होना जायज़ है क्योंकि असम के लोग जो हैं वो
उनकी जो बात है वो भी सही है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिलीजन वगैरह सेम है कि नहीं है। अब वो बांग्लादेश से आ रहा है तो वो हमारा कल्चर नहीं जानता है। अब वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर हमारा कल्चर धीरे धीरे चेंज होगा, जो वो नहीं चाहते हैं, तो वो अपने कल्चर को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बात भी उनकी सही है। तो ये लॉ दोनों ही तरह से है, सही भी है और गलत भी है। आप बताओ आपको क्या लगता है। ठीक है, पर इसमें जो मेन वो जो बात है कि नॉर्थ ईस्ट में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा सेफ है। एक मणिपुर अभी जो है बचा हुआ है कि वहाँ पर अभी ये जो जो प्रोडक्शन मिली हुई है ILP के तहत, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को, नागालैंड को, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत जो जो बाकी स्टेट को जो है प्रोडक्शन मिली हुई है, वो जो है मणिपुर को नहीं है। पर मणिपुर को जैसा इस वीडियो में बताया कि उसको भी जो है मतलब मिलने वाली है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट इससे सेफ है। वहाँ पर अगर कोई बांग्लादेशी इमिग्रेंट आता है तो उसको वही नेचुरल जो प्रोसीजर, सॉरी नॉर्मल जो प्रोसीजर है इंडिया में सिटीजनशिप लेने का, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है मना भी कर सकती है कि हम नहीं देंगे आपको, तो उनके पास काफ़ी जो फ्रीडम है। इंडिया के बाकी हिस्सों पे ये जो है एप्लीकेबल होता है, जैसे कि पंजाब में, बिहार वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट अभी तक सेफ है, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताओ या ये लॉ आपको जो है कैसा लगता है। बट ये आपको बस एक इंफॉर्मेशन देने के लिए था। अब आपको जो है काफ़ी कुछ इस लॉ के बारे में जो है पता लग गया है, तो अब अपना ओपिनियन इस नॉलेज के बेस पे जो बनाइएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।